ये है दिल्ली का चोर बाजार। क्या आप अभी का टाइम बता सकते हैं? जी हाँ, सुबह के 6 बजे हैं और ये बाजार संडे को सुबह 5 बजे ही लग जाता है। अब इस चोर बाजार के क्या वीडियो बनाए, लेकिन ये एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना ही है ना। तो इस सुबह के मार्केट की जर्नी शुरू होती है रात को। तो रात 12 बजे मैं अपने घर से निकलती हूँ, क्योंकि 1 बजे की मेरी बस है हरिद्वार से दिल्ली। क्योंकि ये बस प्राइवेट थी तो ये हमें बस अड्डे से नहीं मिलनी थी। इसका बोर्डिंग पॉइंट हाईवे पर एक पेट्रोल पंप था, तो ई रिक्शा करके चली मैं उस पेट्रोल पंप की ओर। 12:30 बजे मैं पेट्रोल पंप के पास थी। अब इस रात को आधा घंटा और वेट करना था। अब वो कोई प्रॉपर बोर्डिंग पॉइंट तो नहीं था, तो हमने एक आश्रम के बाहर ही बैठ कर बस का वेट किया। अब इस आधी रात को इस पेट्रोल पंप की एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स भी थे। 10 मिनट में गाड़ी आने वाली है, जो लेना जल्दी ले लो। अरे भाई, जाकिर हुसैन, बस आने वाली, रेडी रहो। जिन्हें खरीद कर फिर हाईवे पे हम अपनी बस का वेट कर रहे थे। बस लेट होती जा रही थी और हर गुजरती बस हमें अपनी बस लग रही थी। 380 था क्या? आखिरकार हमारी बस भी आ गई। बस सेमी स्लीपर थी, बट हमारी बर्थ नहीं थी, सीट थी। इसमें हम लगभग 3 बजे खतौली पहुंचते हैं। वहां जोरदार बारिश हो रही थी, तो हम रात 3:30 बजे कुल्हड़ चाय पीते हैं। रात के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग हैं खतौली में। 20 मिनट का ब्रेक और सुबह 5:30 बजे ISBT दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए होटल चाहिए था, लेकिन बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे कि मुझे रेडी भी नहीं होने दिया और खींच कर मुझे ISBT से सीधे ऑटो में बिठा दिया और हम चले जामा मस्जिद के पास लगने वाले चोर बाजार में। शुरुआत में तो ये चोर बाजार हमें समझ ही नहीं आया। सब तरफ पुराना सामान ही सामान और इतनी सुबह इतनी सारी भीड़ देखकर तो हम सब हैरान थे। हो जाएंगे, हम मिलेंगे भी नहीं, घर छोड़ के चले गए। 6:30 बज रहे हैं। हम सुबह 6:30 बजे पहुंच गए और मार्केट सा लग रहा है, गजब। अरे मजा रहा है, आप सुबह 6:30 बजे करी ऐसे मार्केटिंग का भी टोटल ले रहे हैं। ये मुझे यहाँ खींच रहा था क्योंकि इसे बैट दिख गया था और दूसरे को फुटबॉल। और ये तो फुटबॉल लेके ही माना और साथ में एक और डिमांड रख दी, फुटबॉल बेकार। यहाँ तो कुछ बहुत ही पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रखे थे और कपड़े भी काफी सस्ते दामों पर मिल रहे थे। ज्यादातर सब सेकंड हैंड थे, कुछ नए और अच्छी क्वालिटी के भी थे। एप्पल वॉच और एयरपॉड तो यहाँ जगह जगह आलू प्याज की तरह मिल रहे थे और बच्चों का ध्यान बार बार यहीं अटक रहा था। बड़ा मोल भाव करके एप्पल वॉच अल्ट्रा 90,000 वाली 800 में ली और 23,000 के एयरपॉड मात्र 500 रुपए में ले लिए। ओ भाई, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इसके बाद अब बारी आई थोड़ा फैशन की। बच्चों के फेवरेट ब्रांडेड शूज भी यहाँ मिल गए। क्या लिया तूने? जॉर्डन। कितने के? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। साइज यही है, साइज देखो, 8 नंबर। घूमते घूमते कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। 8 बज गए हैं। ये देखिए एयरफोन की मंडी।
साढ़े आठ बज गए थे और पुलिस आ गई थी और ये बाजार साढ़े आठ बजे के बाद उठ जाता है। शॉपिंग करके आते हैं लोग। तो हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चोर बाजार की शॉपिंग जो आज हमने करी है। तो गाइस सबसे पहले आ जाते हैं कपड़े, जो कि 200 रुपए में इतने बढ़िया कपड़े आ गए, ट्रेंडी पिंक कलर। ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैंने प्योर कॉटन है, पूरा कॉटन। और एक लास्ट है ब्लैक कलर, जो देख सकते हो ये सारी 200 रुपए की है, नॉर्मल मीडियम साइज। और उसके बाद लिया हमने एयर जॉर्डन्स हाइज, हमने लिए एयर जॉर्डन हाइज जो कि हमें मिले थे 350 रुपीस के। उसके बाद हमने ली थी ये बॉल 300 रुपीस की, क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता हूँ और फिर मेरी फुटबॉल फट गई थी। 250 की थी, तो 250 की मिली थी सारी। आप वॉच जिसके पास है, हमारे बैक स्ट्रिप्स और ये चार्जिंग, और ये है वॉच मरून स्ट्रिप्स की। लास्ट में आते हैं एप्पल के एयरपॉड्स, जो हमने बहुत ही सस्ते में मिले थे, मात्र 500 रुपये में। मैंने ले लिए ट्राई करने के लिए, नकली होंगे तो पता नहीं, मैंने ट्राई करने के लिए ले लिए। और नकली क्या होंगे, नकली हैं। ऐसे अगर मैं ऐसे खोलूँगा तो आईफोन, मेरा आईफोन में पॉपअप आ जाएगा कि कनेक्ट कर लो। तो ये है, और उसके बाद इसके अंदर चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं, और इसमें अगर बड्स ख़राब हो गए जो होते हैं तो नए दे रखे हैं। ये आ रहा है मॉडल, देखिए सब कुछ चोर बाजार का है। एयरपॉड्स भी चोर बाजार के, ये जूते भी चोर बाजार के, शर्ट भी चोर बाजार की, और ये एप्पल वॉच भी चोर बाजार की। एप्पल वॉच तो दिखाओ भाई अपनी, एप्पल वॉच भी चोर, सब कुछ चोर बाजार के हैं। ये जीन्स चोर बाजार की नहीं है, और इसके अंदर का अंडरवेयर भी चोर बाजार का नहीं है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 2 महीने पहले हमने ये सामान खरीदा था। अब मैं इन आइटम्स का आपको रिव्यू दूंगा कि ये 2 महीने तक कैसे चले, तो आइए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं ये एयरपॉड्स एप्पल के, है ना। सबसे पहली बात तो इस पर पॉपअप आता है रियल वाले की तरह, इससे सीधा कनेक्ट कर सकते हो आप, ब्लूटूथ खोलने की ज़रूरत नहीं है। और भाई इसका साउंड क्या है बताऊँ मैं, नॉइज़ कैंसिलेशन बाहर की बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल। और इसके बाद आती है वॉच, ये बिल्कुल सेम टू सेम फंक्शंस, देखो सेम सारी चीज़ें सेम बिल्कुल। और भाई इसकी बैटरी बैकअप नॉर्मल एप्पल वॉच अल्ट्रा की जैसा तो नहीं है, बस इसका 3 दिन का बैटरी बैकअप है। और अब आते हैं हमारे मेन जूते, ये इनको भाई मैंने अभी धुले नहीं हैं अभी ये, इनको भाई मैंने कितनी सारी पार्टीज़ फंक्शन में पहना है, शादियों में पहना है भाई, ये अभी तक ख़राब नहीं है, रियल है। देखो यहाँ पे ज़रा से भी क्रैम्प नहीं है। ये बात अलग है कि अभी तक धुले नहीं है। 2 महीने में मैंने ये 10 से 20 बार पहने हैं आराम से। भाई रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी इस चैनल पर बहुत कम बार आया हूँ, ये मतलब दूसरी तीसरी बार ही होगा। और अभी मैं बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ ये वीडियो, क्योंकि अभी हमारे पेपर चल रहे हैं, और जो मम्मी हैं उन्होंने रिव्यू इसलिए नहीं करा क्योंकि वो बड़े भैया को पढ़ा रही हैं, क्योंकि उनका इंग्लिश का पेपर है, और पापा मेरे को पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरा मैथ्स का पेपर है। तो मैं भी दूसरी तीसरी बार आया हूँ, तो मेरी भी मेहनत लगी है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। बाय, लेकिन एक मिनट मम्मी के स्टाइल में खत्म करते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।